नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक नए नॉलेज के साथ फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मेरा कुछ कमिटमेंट है, वो इस तरह है दोस्तों कि आप जितने आपके पास जितना भी साउंड बॉक्स इस तरह का आएगा दोस्तों, आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। और क्योंकि आज इस वीडियो में इस साउंड बॉक्स के बारे में फुल डिटेल एवं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट भी करें, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा हम जल्दी जल्दी बताने का कोशिश करेंगे, आप वीडियो को स्लो मोशन में देखिएगा। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, ये रहा आपका ब्लूटूथ बॉक्स, साउंड बॉक्स दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ये आपका ये रहा पैनल, ये रहा दोस्तों पैनल, और ये रहा आपका स्पीकर, ठीक है दोस्तों। और ये रहा आपका दोस्तों आईसी किट, ऑडियो किट जिसको कहते हैं आपका। ये रहा आपका, ये आपका तो आईसी किट रहा दोस्तों, ये टोटल ये रहा आईसी 6283, ठीक है दोस्तों, है ना, सीडी 6283, ये ऑडियो आईसी है। उसके बाद दोस्तों ये रहा आपको आपका 7805 जो कि पैनल को 5 वोल्ट सप्लाई देता है दोस्तों, ये दोस्तों। और इसके अंदर रहा दोस्तों आईसी, ये सॉरी ट्रांसफार्मर, देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको दिख रहा है हल्का सा, ये आपका ट्रांसफार्मर है दोस्तों जो कि एसी को जो है दोस्तों डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को जो है कम वोल्ट में एसी कन्वर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे डीसी सप्लाई आता है किट को, क्योंकि दोस्तों डीसी जो है 12 वोल्ट पे काम करता है दोस्तों। तो इसके बारे में दोस्तों आज फुल डिटेल जानेंगे, क्या प्रॉब्लम आता है, क्यों आता है, और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ये आपका दोस्तों ये मेन वायर रहा है इसका, जो कि जो दोस्तों ये लगाएंगे, ठीक है, मेन प्लग में 220 वोल्ट एसी में लगाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहले वायरिंग जानेंगे, ठीक है, कि इसका वायरिंग कहाँ से क्या आएगा नहीं आएगा। उसके बाद ये जानेंगे कि इसमें प्रॉब्लम आएगा तो कहाँ कहाँ क्या चेक कर सकते हैं, नहीं चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये पैनल रहा दोस्तों, ये ब्लूटूथ पैनल है दोस्तों आपका, जो है मेमोरी सारा सिस्टम इसमें ऐड किया हुआ है। ये आपका वॉल्यूम हो गया दोस्तों, बास टेबल वगैरह हो गया, ये ऑन ऑफ स्विच हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, ये आपका आईसी किट जो ऑडियो किट हो गया दोस्तों, इसमें बस इसमें एक जोड़ दिया है बस, ये जो 7805 है दोस्तों जो कि इसको सप्लाई देता है 5 वोल्ट। देखिए दोस्तों, इसका जो है आपका पिन कनेक्शन के बारे में बता देते हैं दोस्तों। तो इसको आईसी को जो दोस्तों इधर से गिना जाता है, इधर से 1 2 3 4, इधर से 12 पिन का आईसी होता है दोस्तों ये 6283। तो दोस्तों इसका जो है 12 नंबर जो है दोस्तों ये सप्लाई पिन होता है, प्लस सप्लाई पिन, ये 12 नंबर है दोस्तों, इधर से 1 होगा तो इधर से 12 नंबर होगा, ये प्लस सप्लाई पिन है दोस्तों। और 6 और 9 जो है दोस्तों इसका 6 9, और ये 6 जो इसका दोस्तों माइनस सप्लाई पिन है, ये जान लीजिए। और इसका 2 10 जो है दोस्तों ये आउटपुट पिन है, ऑडियो आउटपुट, मतलब इसका जो स्पीकर है ना दोस्तों, ये आउटपुट इसको कहा जाता है, मतलब स्पीकर का तार जो लगेगा दोस्तों, ये स्पीकर का तार लगा हुआ है यहाँ पे स्पीकर में। तो आपका दोस्तों ये 2 और 10 जो है ऑडियो आउटपुट है स्पीकर का। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो दोस्तों स्पीकर का तार कौन सा है, ये तार टूट गया दोस्तों, ये तो 5 वोल्ट का है पैनल का। देखिए दोस्तों, ये आपका जो है दोस्तों ये आउटपुट पिन है, और आपका इनपुट पिन जो है दोस्तों 5 और 7 है दोस्तों, ऑडियो इनपुट, मतलब ये सिग्नल जो दोस्तों सिग्नल दो देगा तो ही ना आवाज़ निकलेगा, कौन सा गाना बज रहा है उसका सिग्नल मिलेगा। तो इनपुट पिन दोस्तों 5 और 7 है दोस्तों। तो इधर से 1 2 3 4 5 5 ये है दोस्तों, यहाँ से एक पीएफ लगा है दोस्तों, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लग के ये 2 गो तार है दोस्तों, है ना, ये इनपुट है, ये जो कि वॉल्यूम्स आया दोस्तों। तो इसके बारे में तो हम कुछ जान गए दोस्तों, अब इसका वायरिंग के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको तो पहले छील लेते हैं, इसका कनेक्शन करना है दोस्तों। ये दोस्तों क्या है दोस्तों, ये जो है ना आपका ये 12 वोल्ट जो है दोस्तों, ये 7805 है, ये 5 वोल्ट बनाता है दोस्तों, ये 5 वोल्ट पैनल के लिए बनाता है। आप देखिए दोस्तों, इसका फुल डिटेल में आप जानेंगे कि इसका वायरिंग कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है दोस्तों ये ट्रांसफार्मर से जो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का तार है, नीचे ट्रांसफार्मर जानते हैं दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर को चेक करने का तो जानते हैं दोस्तों क्या होता है, ट्रांसफार्मर को जो दोस्तों मल्टीमीटर, जैसे मल्टीमीटर हो या आपका लाइट टेस्टर हो, उससे भी चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बजट रेंज में लगा देंगे, और बजट रेंज में दोस्तों ये जो है आपका इधर से चेक करेंगे दोस्तों, ये एसी हुआ दोस्तों, ये जान लीजिए ये एसी हुआ रेड वाला, और ये जो है दोस्तों ये डीसी, ये एसी कम वोल्ट हुआ दोस्तों, 12 है दोस्तों, और ये 2 एम्पियर का है, इसमें जो दोस्तों शायद 1 एम्पियर का लगा हुआ है, हम देखे नहीं हैं, मगर 1 एम्पियर का ही होगा,
एक या डेढ़ एम्पेयर का होगा ऐसे लग तो रहा है, डेढ़ एम्पेयर का। तो दोस्तों देखिए इसको जो है, दोस्तों देखिए ये रीडिंग शो कर रहा है दोस्तों, ये देखिए तो ये ट्रांसफार्मर सही है दोस्तों। इसका प्राइमरी ये हुआ प्राइमरी दोस्तों, ये हुआ सेकेंडरी। फिर दोस्तों इसका ये वाला चेक करते हैं, तो ये वाला चेक करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये हो गया दोस्तों, तो ये जो चेक करेंगे आपका, देखिए दोस्तों इधर से जो दोस्तों ये सब में बताएगा, ये बता रहा है, ये भी बता रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ट्रांसफार्मर ये सही है, ये कंफर्म हो गया। देखिए इसमें जो दोस्तों, इसमें तो तीन तार है दोस्तों, मगर उसमें जो है सेकेंडरी में भी जो है दो तार है, ठीक है। प्राइमरी में तो दो तार रहता ही है सबका एसी, ठीक है, ठंडा गर्म, और सेकेंडरी में भी इसका दो तार है, जीरो वाला ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों इसका क्या कनेक्शन है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका ये एसी आया दोस्तों, ये एसी, उसके बाद इधर आपका दोस्तों ये डायोड लगा हुआ है, ये दोस्तों डायोड लगा हुआ है। ये क्या करता है दोस्तों, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ये। अब डीसी में कन्वर्ट करके दोस्तों, तो देखिए ये डीसी कन्वर्ट किया था दोस्तों, तो ये दोनों मिल के दोस्तों ये सप्लाई पिन, प्लस सप्लाई पिन बनाया, और ये दोनों मिल के दोस्तों ये डायोड का ये माइनस सप्लाई पिन बनाया। तो माइनस सप्लाई पिन में क्या है दोस्तों, देखिए इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ गया है, ये थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों। माइनस सप्लाई पिन इसका तो सबसे पहले 7805 जो है, इसमें बीच में बीच वाला माइनस होता है दोस्तों, तो बीच वाला माइनस में आ गया, ठीक। उसके बाद दोस्तों तो आपको माइनस पिन बताए हुए थे दोस्तों, 6 9 9 होता है, ये 9 नंबर में आ गया, ये 6 नंबर पे आ गया, ठीक है, माइनस। उसके बाद 6 नंबर, उसके बाद ये सारा में जो है एक पैनल पे चल गया है, और एक कहाँ चल गया दोस्तों, एक पैनल में चल गया है, ये पैनल में चल गया है, एक माइनस जो दोस्तों, ये माइनस, इसको माइनस चला गया दोस्तों, वो माइनस में चल गया है, ठीक है। ये एक ऑडियो माइनस में चल गया दोस्तों, एक मेन माइनस में चल गया है, ठीक है दोस्तों, ये माइनस। अब देखिए दोस्तों प्लस सप्लाई कहाँ कहाँ गया है। अब ये जो दोस्तों प्लस सप्लाई पिन गया हुआ है दोस्तों, तो प्लस सप्लाई में दोस्तों ये पीला वाला तार लगा हुआ है, ये पीला वाला तार दोस्तों, ये देखिए बैटरी कनेक्टर 12 वोल्ट है ना दोस्तों, यहाँ से 12 वोल्ट से भी बजा सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों ओके, देख लेते हैं इसका कनेक्शन क्या है आपका जो है। तो ये राइट है दोस्तों, ये जो है ना दोस्तों, ये जो है आपका, ये आपका 12 वोल्ट है दोस्तों, ये 12 वोल्ट से भी आप जला, मतलब बाजा को जो है दोस्तों, साउंड बॉक्स को आप बजा सकते हैं। तो दोस्तों आपका ये जो है दोस्तों उसमें चले गया दोस्तों, ये माइनस भी वही दोनों में लगा हुआ है दोस्तों, प्लस माइनस दोस्तों, ये देखिए प्लस माइनस दोस्तों, देखिए दोस्तों ये प्लस जो है दोस्तों 12 वोल्ट इस पर आ गया, 12 नंबर पिन पर, और 7805 का जो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर आ गया, इसको प्लस माइनस तो मिल गया दोस्तों, तो यहाँ पर आउटपुट इसका 5 वोल्ट करेगा वो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका जो है अब क्या है दोस्तों, तो इसके बाद जो है इसका, तो ये प्लस माइनस का तो समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए अब ये तार क्या चीज़ का है दोस्तों, तो ये देखते हैं, ये तार दो तार आया हुआ है। तो ये दोस्तों आपको स्पीकर का है दोस्तों, आपका स्पीकर के बारे में बताएं तो दोस्तों, ऑडियो आउटपुट, ठीक है, आउटपुट मतलब इन, ठीक है, इन सॉरी इन मतलब आउटपुट, मतलब आउटपुट स्पीकर के लिए आता है दोस्तों, ठीक है। तो 2 10 बोले थे दोस्तों, तो इसमें एक स्पीकर का ही काम किया गया है, एक स्पीकर का ये, ठीक है। तो एक स्पीकर में आप देखिए 10 नंबर पे तो ये खाली है दोस्तों, मगर ये 2 नंबर से दोस्तों क्या लग गया है, देखिए दोस्तों ये भी आउटपुट पिन है दोस्तों, ऑडियो ये यहाँ से यहाँ आया दोस्तों, यहाँ से एक जो है क्या लगा हुआ दोस्तों, ये कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, 4700 MVA 16 वोल्ट, ये कंडेंसर लग के ये दोस्तों एक स्पीकर में चल गया, ये स्पीकर है दोस्तों, इसका कनेक्शन में चल गया। उसके बाद दूसरा जो एक ये भी तार टूट गया दोस्तों, ये आपका माइनस में है, ठीक है दोस्तों। स्पीकर को एक एक जो है 2 नंबर से गया है, एक माइनस जो है कहीं से ले सकते हैं दोस्तों, ये माइनस का ट्रैक है दोस्तों ये वाला, तो यहाँ से भी ले सकते हैं, कहीं से जोड़ सकते हैं, ठीक है, सुविधा के अनुसार है। उसके बाद दोस्तों वो तो समझ में आ गया दोस्तों, ये तो समझ में आ गया दोस्तों, ग्राउंड है दोस्तों, ये देख ही रहे हैं, यहाँ से आया ये ट्रैक, यहाँ से ये ग्राउंड है, ये सारा सेम है। तो दोस्तों ये ग्राउंड है दोस्तों, तो ये ग्राउंड तो आपको बता दिए थे, एक तो माइनस में गया है सप्लाई पिन का, 5 वोल्ट आएगा ना दोस्तों, इसका ये प्लस सप्लाई पिन 5 वोल्ट है, इसका ग्राउंड माइनस है, तो माइनस तो इससे आ गया दोस्तों। और एक जो है दोस्तों आपका ये माइनस जो है दोस्तों, ये इसमें आ गया, ऑडियो का आ गया दोस्तों, ग्राउंड का, ठीक है, उसमें माइनस दे दिया है। अब दोस्तों इसमें क्या आया है देखिए दोस्तों, इनपुट पिन बताएं तो दोस्तों 5 और 7 होता है ना दोस्तों, तो 5 और 7 जो होता है दोस्तों, तो देखिए इनपुट पिन 5 क्या है, 1 2 3 4 5 है ना दोस्तों, यहाँ 5 पिन से, यहाँ से दोस्तों एक पीएफ लगा हुआ है, देखिए पिको फेराइट कंडेंसर ये आया हुआ है दोस्तों,
उसके बाद यहाँ से दोस्तों, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देखिए दोस्तों यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है छोटा सा दोस्तों, एक रेजिस्टेंस लगा के आपको ये पीला वाला येलो जो देख रहे हैं दोस्तों, येलो वाला जो दोस्तों ये वॉल्यूम पे आया है, देखिए दोस्तों ये वॉल्यूम पे आया है ना, वॉल्यूम पे आया हुआ है। और ये माइनस जो है दोस्तों, ये माइनस है ना, ये माइनस दोस्तों ये साइड में आ गया है, ठीक है। अब इसी को दोस्तों बास ट्रेबल जो है क्या करता है दोस्तों, एक वॉल्यूम लगा दिया, अब लास्ट वाला को ग्राउंड यहाँ डाल दिया, इसको यहाँ से ट्रेबल को यहाँ डाल दिया है ना, फिर यहाँ से एक पीएफ लगा के दोस्तों है ना, 104 है देख रहे हैं दोस्तों, ये पीएफ है दिख रहा है आपको, यहाँ से दोस्तों ये ऑडियो का जो है दोस्तों ये दे दिया है दोस्तों, ये ऑडियो का, ये ऑडियो का जो सिग्नल दे दिया है दोस्तों। अब यहाँ से क्या कर गया दोस्तों, ये जैसे इसमें मेमोरी कार्ड डाले दोस्तों, ठीक है, ये बजा। अब सिग्नल ये जो उत्पन्न सिग्नल कम सिग्नल करता है दोस्तों है ना, सिग्नल तो कम वोल्ट ही करता है ना, इसको आउटपुट करके आईसी जो है मतलब ज़्यादा आवाज़ देता है। तो यहाँ से जो दोस्तों ये क्या किया दोस्तों, यहाँ से सिग्नल यहाँ आया, यहाँ से दोस्तों इस बास ट्रेबल से दोस्तों इस पर आया। अब इसको जो है बढ़ाएं दोस्तों, तो यहाँ से आया यहाँ पे, और यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट आ गया यहाँ पे आईसी पे दोस्तों, ये देखिए ये आईसी पे आया। अब इनपुट यहाँ आया दोस्तों, ठीक है, इनपुट जब वॉल्यूम पूरा घुमाएंगे तो वॉल्यूम जब इनपुट ज़्यादा आएगा तो आउटपुट तो निकालेगा ही दोस्तों, तो आउटपुट जो दोस्तों स्पीकर से आपका बजेगा ही, आउटपुट आवाज़ देगा, ठीक है। तो ऐसे ही बसता है दोस्तों। हाँ, अगर आप इसमें क्या करना है दोस्तों, अगर आपका कुछ बीमारी आ जाता है दोस्तों, वीडियो तो थोड़ा लंबा बनेगा दोस्तों, अंत तक जरूर देखें, खुद से रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, इतना जान लीजिए। अगर होता क्या, बहुत में होता क्या दोस्तों, इसमें लाइन नहीं आ रहा है दोस्तों, तो लाइन नहीं आ रहा है दोस्तों, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले तो देख लेना है कि स्पीकर में आवाज़ आ रहा है कि नहीं। अगर स्पीकर में भी आवाज़ नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आपका देख लीजिए ट्रांसफार्मर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मेन तार दोस्तों कहीं ये तारे तार ही तो नहीं कर, मेन वायर जो होता है दोस्तों ये ख़राब नहीं है, वो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए तो बताए दिए हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर चेक करना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चेक करना है, वो भी क्या चेक करना है दोस्तों, ये एसी वोल्ट चेक करना है। देखिए दोस्तों ये लगभग 14 वोल्ट आएगा दोस्तों, एसी 200 वोल्ट पे सेट किए हुए दोस्तों। अब यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे क्या चेक करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे वोल्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे चेक करेंगे, अगर वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो वोल्ट नहीं आएगा तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर चेक करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर खराब है उसको चेंज कर दीजिएगा। 0 वाट ट्रांसफार्मर आता है दोस्तों, 1.5 एम्पीयर का लगा दीजिएगा, ठीक है, वो काम कर जाएगा आपका। उसके बाद दोस्तों अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे आ गया दोस्तों, तो उसके बाद आप डायोड है दोस्तों, तो डायोड तो डीसी बनाएगा, तो दोस्तों ये 20 वोल्ट पे सेट करना है ना दोस्तों, 20 वोल्ट यहाँ लगभग 16-17 वोल्ट दोस्तों ये डायोड पे आएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ आ गया दोस्तों। तो यहाँ जब 16-17 वोल्ट आ जाएगा दोस्तों, तो आपका जो है इसमें भी कनेक्शन आ जाएगा दोस्तों, ये 12 वोल्ट का दिया हुआ दोस्तों, ये प्लस ये माइनस, या प्लस माइनस जब आ रहा है दोस्तों वोल्ट, 12-15 मतलब 14-15 वोल्ट आएगा दोस्तों, ये जब यहाँ आ रहा है, अगर यहाँ पर यहाँ देखिए दोस्तों ये माइनस, ये देखिए दोस्तों ये माइनस करना है, और यहाँ पे देखेंगे 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा तो ये ऐसे खड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि ये 5 वोल्ट ही बनाता है पैनल के लिए। अगर आपका पैनल लाइन नहीं आ रहा दोस्तों, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपका प्लस रहा, ये रहा माइनस, तो यहाँ पर प्लस माइनस चेक कर रहे हैं। अगर नहीं आ रहा दोस्तों, तो आप आईसी पे यहाँ वोल्ट चेक कीजिए, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा दोस्तों, तो ये आईसी खड़ा होगा दोस्तों, ठीक है, आईसी को चेंज कीजिएगा, हो जाएगा। अब इसको चेक कैसे करेंगे दोस्तों, अगर सब चीज़ आ रहा है दोस्तों, आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है दोस्तों, तो ये चेक करेंगे सबसे पहले दोस्तों, तो स्पीकर में जो है दोस्तों मतलब हल्का सा जो है ना, जो इस पे छू के देखेंगे दोस्तों, ठीक है, हल्का छू के देखेंगे दोस्तों, ऑडियो का है ना दोस्तों, इनपुट पिन यही ना दोस्तों, इनपुट पिन हो सके इनपुट से सिग्नल ही नहीं दे रहा, तो हल्का सा जो है दोस्तों, हल्का चिमटा ही ऐसे सटा के देखेंगे दोस्तों, तो इसमें अगर वाइब्रेट हो रहा है दोस्तों, ठीक है, अगर वाइब्रेट हो रहा है तब तो दोस्तों इधर का लाइन सही है, आपका इसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर वाइब्रेट ही नहीं हो रहा, कुछ भी हमिंग नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक है, मतलब आवाज़ कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपका आईसी भी ख़राब हो सकता है। तो आईसी को चेक करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे दोस्तों 12 नंबर पे दोस्तों वोल्ट चेक करना है, सप्लाई पिन मतलब 15-16 वोल्ट जो भी हो दोस्तों, ये चेक करना है दोस्तों, यहाँ आ रहा है। अब स्पीकर में भी जो दोस्तों, देखिए स्पीकर तार है दोस्तों, ये तो स्पीकर तार है, स्पीकर में भी वोल्ट चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले इनपुट वोल्ट चेक करना दोस्तों, इनपुट आपका आ रहा है कि नहीं, इनपुट आ रहा है, ठीक है, या यहाँ से ये जो तार है दोस्तों, ये तार आ रहा है, यहाँ आ रहा है, अगर स्पीकर में वोल्ट नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आपका ये आईसी ख़राब होगा, ठीक है, और खुद छूने से दोस्तों को पता चल जाए, हीट हो तो हीट ज़्यादा होगा, तो आपको समझ में खुद आया कि ये आईसी का प्रॉब्लम है, तो आईसी चेंज कर देंगे दोस्तों, तो आपका ठीक हो जाएगा। अगर दोस्तों अभी भी अगर कुछ डाउट है, या आपके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो कमेंट करें, जहाँ तक हो सके हेल्प करूँगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और दोस्तों किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएँ अगले,
ये आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।